इफ यू वॉन्ट टू गेट प्लेस्ड एट गूगल देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू. रुको जरा, सबर करो. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें से तुम्हें चांस मिलेगा कि तुम गूगल में काम कर सको. और गूगल सबकी एक ड्रीम कंपनी होती है, कॉलेज में बहुत ज्यादा हाइप होती है इसके. कैसे इंटरव्यू राउंड्स होंगे, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, कौन सी गूगल की SDE शीट को हम फॉलो करें जिससे हमें पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना किस टाइप का क्या रेशियो होगा, मोस्ट आस्क टॉपिक कौन सा है. ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर्ड है. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर कवरिंग द फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेड्स इन 2024. सबसे पहले जानते हैं बैचेस कौन से एलिजिबल है. अगर तुम 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए. अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस की तरफ जाएं तो इन्होंने मांगा है DSA, तुम्हें कॉलेज में एनरोल होने चाहिए. और तीसरी जो चीज़ है कि तुम्हें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना आना चाहिए, चाहे वो लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, macOS हो सकता है. बाकी मशीन लर्निंग और दो तीन चीज़ें और है जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम्हें तीनों चारों चीज़ें आती हो, बट तुमसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें DSA आता हो. ये जो बाकी एडिशनल चीज़ है वो इसलिए ताकि तुम्हें आगे टीम में डिवाइड करने में इनको आसानी हो, कि अगर किसी पर्सन को मशीन लर्निंग ऑलरेडी आती है तो उसको मशीन लर्निंग्स वाली टीम में आगे प्लेस्ड कराएंगे. दो तुम्हारे इंटरव्यूज में मशीन लर्निंग रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछेंगे. अगर तुमने उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मशीन लर्निंग में तो ही वो तुमसे पूछेंगे. एल्स वो चीज़ सिर्फ इसलिए ताकि वो आगे उनके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना टीम्स में. सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन को फिल करना. जब तुम अब एप्लीकेशन को फिल कर दोगे और तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा एक टेस्ट लिंक. टेस्ट लिंक में होगा कि तुम उसको ओपन करोगे, तुम्हें मिलेंगे 2 से 4 कोडिंग क्वेश्चंस जिनको तुम्हें सॉल्व करके आगे के राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट होना होगा. जब तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ोगे फिर होगा तुम्हारा स्क्रीनिंग राउंड. स्क्रीनिंग राउंड है एक मानो तुम्हारा फर्स्ट इनफॉर्मल इंटरव्यू जिसमें तुमसे पूछे जाएंगे DSA के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, कि प्रायोरिटी क्यू कैसे इंप्लीमेंट होता है, हीप सॉर्ट की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, किसी भी एल्गोरिथम की उठा के तुमसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकते हैं, STL लाइब्रेरीज के राउंड तुमसे चीज़ें पूछ सकते हैं. तो ये जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्क्रीनिंग राउंड्स में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जो स्क्रीनिंग राउंड है वो बेसिकली तुम्हारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जानने के लिए ही होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या इसको DSA की नॉलेज है या नहीं. जब तुम उसको क्लियर कर लोगे तब तुम्हारा नेक्स्ट राउंड होगा तुम्हारा फर्स्ट टेक राउंड. स्क्रीन राउंड के बाद तुम्हारे 2 से 4 टेक राउंड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंसेज इन प्रीवियस इंटरव्यूज, जिसके हिसाब से तुम्हारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं. तो इन सभी टेक राउंड्स में होगा क्या, तुमसे पूछे जाएंगे 2 DSA के क्वेश्चंस या फिर 1 DSA का क्वेश्चंस और तुमसे उसका एक फॉलो अप पूछ लिया जाएगा. इसके अलावा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात हो सकती है और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स और DBMS, ये 3 CS फंडामेंटल्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग देख सके कंप्यूटर साइंस में कितनी है. जितने भी तुम टेक्निकल राउंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें उन सबके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए. क्योंकि खुद सोचो, तुमने पूरा कोड लिख दिया है, तुमने पूरा लॉजिक बना लिया है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं और तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में गलती कर दी, तो लाइक इट शोज की मतलब एक रेड फ्लैग है ये, क्योंकि तुमने सारी चीज़ें तो आती है बट तुम टाइम कॉन्स्टेंट्स नहीं समझ पा रहे हो. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ढंग से समझा पाओ. टेक राउंड्स की बात होता है तुम्हारा गूगलीनेस वाला राउंड. ये सिर्फ गूगल में होता है जिससे वो तुम्हारे अंदर की गूगलीनेस को चेक करते हैं. ये चीज़ क्या होता है, यानी तुम कितने बड़े टेक एंथुजियास्ट हो, तुम कितने क्यूरियस हो, तुम्हारा नेचर कैसा, क्या तुम ईगर टू लर्न हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली नहीं लेते. मतलब बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे HR के थ्रू. इसके अलावा तुमसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. जब तुम्हारे सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ जाएगा गूगल का. हर इंटरव्यू में अपियर होने से पहले गूगल के आर्काइव्स देखने बहुत ज़रूरी है. उसकी यानी प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है वो तुम गिग्स फॉर गिग्स के आर्काइव से देख सकते हो, लीड कोड के डिस्कस सेक्शन से पढ़ सकते हो, बहुत सारे इंटरनेट पे मीडियम के बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं उन्हें देख सकते हो. मैं कुछ रिसोर्सेज डालूंगी जो कि होंगे गूगल की SDE शीट, उसमें गूगल में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं वो सब लिखे हुए हैं, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, यानी ट्रीज, ग्राफ, प्रायोरिटी क्यू, DP, ये इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, इसमें से ये ज़रूर पूछते हैं. तो ये सारी चीज़ें ना, सारे रिसोर्सेज तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. बहुत सारी SDE शीट है, मैं तुम्हें 2 या 3 ही भेजूंगी जो मुझे बेस्ट लगती है, जो मुझे लगता है कि यही ज़रूरी है, इनफ है. वो 2-3 शीट्स को पढ़ के करके ज़रूर अपियर होना इस गूगल के अपॉर्चुनिटी के लिए.
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर तुम चाहते हो आगे और ऐसे वीडियोज आए तो नीचे कमेंट करो क्या हम एम कर सकते हैं 500 लाइक्स का इस वीडियो पे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.